अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में अपना फ़ाइनल एग्ज़िट, जिसको हम अरबी में खरूज नहाई भी कहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं, तो आप वो अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी। किसी भी ब्राउज़र में जाके आप MOIKS से लिखिए, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस ओपन होगा। आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज लिखा है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखिए पासपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद पब्लिक क्वेरी ऑफ वर्कर अराइवल्स, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने स्पॉन्सर आई डी देना है, इकामा नंबर देना है और इकामे की जो एक्सपायरी डेट है वो देनी है। यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी आप कहाँ से ले सकते हैं, आप पासपोर्ट के ऊपर जहाँ पे आपका वीज़ा लगा हुआ है वहाँ पे देखिए सजल रकम लिखी होगी। ये देखिए मैं राइट साइड पे आपको दिखा रहा हूँ पासपोर्ट की एक कॉपी, यहाँ पे ये रकम लिखी हुई है, ये आपने स्पॉन्सर आईडी की जगह पर लिखनी है। उसके बाद आप अपना इकामा नंबर लिखिए और इकामे की एक्सपायरी डेट लिखिए, जिस तरीके को आपका इकामा जो एक्सपायर हो रहा है। नीचे एक पासवर्ड दिया हुआ है, ये आपने यहाँ नीचे एंटर इमेज कोड पे क्लिक करना है। ये हर दफ़ा जब भी आप ये पेज ओपन करेंगे तो नया कोड आपको देगा, तो ये आप नीचे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद व्यू के बटन पे क्लिक करें तो ये देखिए नीचे पूरी डिटेल आ चुकी है। ये उस बंदे का नाम है जिसका खरूज नहाई लगा है, फाइनल एग्जिट लगा है, वीज़ा नंबर लिखा हुआ है और ये नीचे देखिए एग्जिट बिफोर लिखा हुआ है। ये पूरी डेट लिखी हुई है यहाँ पे कि इस तारीख से पहले पहले आपको सऊदी अरब जो है छोड़ के जाना है। और नीचे वीज़ा टाइप भी लिखी हुई है, फाइनल लास्ट पोर्ट ऑफ एंट्री, लास्ट टाइम जब ये बंदा सऊदी अरब में एंटर हुआ था वो डेट भी लिखी है और वो एयरपोर्ट भी लिखा हुआ है जिस एयरपोर्ट से वो सऊदी अरब में एंटर हुआ था। तो इसी तरह आप भी किसी का भी खरूज नहाई चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।